हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज से अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रिवेन्यू। और रिवेन्यू बहुत आसान चैप्टर है। तीन चैप्टर हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक रिवेन्यू का है, एक प्रोडक्शन फंक्शन का है, एक कॉस्ट का है। प्रोडक्शन फंक्शन मैं करा चुका हूँ, कॉस्ट करा चुका हूँ, और अब देखते हैं रिवेन्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिवेन्यू चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि सर हम क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं कराने वाला हूँ कि रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू और प्रॉफिट में का मतलब क्या है। दोनों में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। थ्री डिफरेंट वेज हम पढ़ने वाले हैं रिवेन्यू के। और फिर यहाँ पे एक रिलेशनशिप दे रखा है, इसके बाद एक और दे रखा है, एक और दे रखा है, एक और दे रखा है। ये चार रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन करके। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरीके से हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 100%। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से। सबसे पहले आता है कि सर रिवेन्यू होता क्या है, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों ने अकाउंट पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं कि सर रिवेन्यू का क्या मतलब होता है। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इंग्लिश लिख देता हूँ। रिवेन्यू का मतलब होता है मनी रिसीव्ड बाय ए फर्म From sale of a commodity। ये तो हो गया रिवेन्यू का मीनिंग, कि भाई क्या होता है कि जो पैसा मिला है। जैसे मान लेते हैं मैं एक दुकानदार हूं, ओके, और मैं कपड़ा बेचता हूं, तो मैंने कपड़ा बेचा, कपड़ा बेचने से जो मेरे पास पैसा आया, मनी रिसीव, क्या किया मैंने, सेल किया। क्या सेल किया, कॉमोडिटी, तो यानी जैसे कपड़ा, तो वो क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है ना। इसका और अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं मान लो कपड़े का व्यापारी हूँ, ठीक है ना, या फिर ऐसे मान लो कि मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है ना, मैं जींस बेच रहा हूँ और मैंने जो है 100 जींस बेच दी, ठीक है, और एक जींस का प्राइस 160 रुपए था। तो यानी एक जींस अगर 160 रुपए की है तो 100 कितने की आएगी, ये देखो, ये आगा आपका 16,000, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये निकल चुका है आपका 16,000 रुपए। इसी को बोलते हैं आप रिवेन्यू। कभी कभी इसको हम टोटल रिवेन्यू भी लिख देते हैं, बात एक ही है, रिवेन्यू बोल दो, टोटल रिवेन्यू बोल दो, बात एक ही है। तो टोटल रिवेन्यू यानी रिवेन्यू कितना निकलेगा, 16,000। निकला कैसे है, ये क्या थी, क्वांटिटी, कि मैंने कितनी क्वांटिटी बेची है, ठीक है ना, और कितने रुपए पे बेची है, एक क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी इंटू इसको क्या बोलेंगे, प्राइस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस। ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कि मनी रिसीव्ड, मेरे को कितने पैसे मिले हैं, 16,000 रुपए, बाय फर्म, फर्म मतलब कोई एंटरप्राइज कोई भी, है ना, ठीक है ना, ओके। तो फ्रॉम क्या किया था मैंने, सेल किया था, सेल किया था मैंने, है ना, क्या सेल किया था, कॉमोडिटी, यानी मैंने जींस, है ना। तो कितने रुपए में सेल की, एक, और टोटल कितनी सेल की है, क्वांटिटी, और मिला कितना है, रिवेन्यू, यानी उसको टोटल रिवेन्यू बोल सकते हैं। तो ये तो है रिवेन्यू क्या होता है। तो आई होप क्लियर होगा, इसको अच्छे से लिख लो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ दूसरे पॉइंट पे, कि रिवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है। थोड़ा सा नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत आती है। वो सोचते हैं कि रिवेन्यू मतलब हमने पैसा कमाया उसको रिवेन्यू बोलते हैं, पैसा कमाया उसको रिवेन्यू नहीं बोल सकते, ठीक है ना, जो पैसा आया उसको रिवेन्यू बोल सकते हो, जो है ना, ठीक है ना। अब उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी होगा, है ना, इस तरीके से। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं एकदम। तो पॉइंट नंबर टू करने वाले हैं, कंटेंट नंबर टू पे आ जाते हैं। कंटेंट नंबर टू का नाम है रिवेन्यू एंड प्रॉफिट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिवेन्यू, ठीक है ना, एंड प्रॉफिट, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए सिंपल मैं अगर बोलूं तो मैं इस तरीके से एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूं। ये मानो कि मैं सब्जी, मैं एक रेडी लगाता हूं और सब्जी बेचने वाला हूं, ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने सब्जी खरीदी 10,000 रुपए की। सुबह सुबह मैं सब्जी मंडी गया और 10,000 रुपए की मैंने सब्जी खरीदी। मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये मेरी कॉस्ट है ना, मेरे को सब्जी कितने की पड़ी है, ठीक है ना, बोलते हैं भाव टू भाव दे रहा हूँ भैया, तो वैसे ही है ना। तो मैंने 10,000 रुपए की सब्जी खरीदी, उसमें बहुत सारी, फिर मैंने रेडी पे लगा दी, फिर मैंने बेचा। अब 10,000 रुपए की अगर मैंने खरीदी है तो 10,000 की तो बेचूंगा नहीं,
कुछ ना कुछ तो मैं कमाऊंगा ही, है ना। अब मान लेते हैं मैंने 10,000 रुपए जो सब्जी खरीदी थी मैंने ये बेच दी 12,000 रुपए में, राइट, 12,000 रुपए में बेच दी मैंने, तो मेरे को पैसे मिले कितने, मनी रिसीव कितना हुआ, 12,000 रुपए। तो ये तो मेरा कहलाएगा रिवेन्यू, क्या कहलाएगा, रिवेन्यू, और ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। तो रिवेन्यू इज इक्वल टू, रिवेन्यू दो चीजों को मिला के बनता है, ठीक है ना, एक तो कॉस्ट और उसमें साथ में आपका प्रॉफिट भी देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा रिवेन्यू यहां पे मेरे टोटल पैसे कितने आए मेरे पास, 12,000 रुपए, तो ये मेरा रिवेन्यू हो गया, राइट, इज इक्वल टू कॉस्ट, मैंने खरीदा कितने में था, 10,000 में, तो मैंने कमाया कितना, 2,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट वैसे फॉर्मूला बनाना हो तो मैं काम करता हूं, प्रॉफिट को तो इधर ही रखूंगा मैं, इधर ही रखता हूं और कॉस्ट को इधर ले जाता हूं, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रिवेन्यू में से, तो मैं बोल सकता हूं रिवेन्यू लेस कॉस्ट, तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। यानी जितने पैसे मुझे मिले हैं 12,000 रुपए मुझे मिले हैं सब्जी बेचने से, मैंने खरीदे कितने की थी, 10,000 की, तो 12,000 में बेची मैंने 10,000 रुपए की चीज, तो मेरे को 2,000 रुपए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि ये हो गया 12,000 और इसमें से लेस कर दो 10,000, कितना बचा, 2,000, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, इसको लिख लो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो बेटा, बाय।